सो है गाइस, व्हाट्सअप, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गाइस। तो गाइस, आज जो है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ टोक्यो सिटी घूम के। मेन टोक्यो सिटी है जो जापान का कैपिटल है, राजधानी है, वो आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा फुल घूम के। रहे ठीक है, तो फिर वीडियो में बने रहे और देखते रहे लास्ट तक टोक्यो सिटी किस टाइप का है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं टोक्यो सिटी में जाके। गाइज, मैं आज आप लोग को टोक्यो सिटी घुमा के दिखाता हूँ। ये टोक्यो स्टेशन है, जीरो ग्राउंड है। ये क्या है, कैसे जा सकते हैं पैदल? तो ये देखिए, मैं दूर से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, मैं जो टोक्यो स्टेशन का जो चारों तरफ है घूम के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ टोक्यो सिटी। ठीक है, मैं 100% आप लोग को पूरा दिखा नहीं सकता हूँ कि पूरा दिखाने जाऊँगा तो गाइस कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। मैं 10 मिनट का अंदर आप लोग को दिखा दूंगा शॉर्टकट में। ठीक है, आज मैं आ गया टोक्यो में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। गाइस, जापान का कैपिटल है, राजधानी। देखिए क्या क्या बिल्डिंग बना के रखा है यार, देखने से दिल खुश हो जाता है यार। ये देखिए क्या क्या बिल्डिंग है, देखिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है गाइस। यहाँ पर लगता है एक जो फैमिली मार्ट है, मुझे कुछ खाना है, देखता हूँ वहाँ पर है क्या समय। चलिए मैं बाद में खाता हूँ, मुझे भूख लग गया, मैं घूमता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। भूख लगने तो मेहनत नहीं करे तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग देखते रहिए। अभी साउथ एक्साइड में हूँ मैं, टोक्यो स्टेशन का जो साउथ है, साउथ एक्साइड में हूँ। टोक्यो स्टेशन है, ये देखिए सामने टोक्यो स्टेशन भी है। जो टोक्यो स्टेशन का जो आजू बाजू में वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर तक जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये टोक्यो स्टेशन है, ये टोक्यो स्टेशन है और इसका बाजू का देखिए ये व्यू है। ये सामने जो है महाराजा रेस्टोरेंट है, सामने जाके अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा। महाराजा रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट महाराजा, जापान का बहुत पुराना इंडियन रेस्टोरेंट है। जीरो ग्राउंड टोक्यो सिटी देख लीजिए, ये टोक्यो स्टेशन भी है सामने, देखिए। मैं अभी कोशिश करता हूँ उस साइड में जाने के लिए। आज बहुत ठंडी है गाइस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने के लिए। हवा बहुत तेज़ है, ठंडी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हवा जब होता है तो आँखों से पानी निकल जाता है गाइस। ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा प्यार से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये टोक्यो स्टेशन है, देखने में सिंपल सा लग रहा है गाइस, लेकिन ये जो स्टेशन है एक साथ में 300 ट्रेन रुकता है, 300 ट्रेन का एंट्री होता है एक साथ में। और ये जो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस नीचे से भी अंडरग्राउंड से भी स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है गाइस। ठीक है, देखने में सिंपल सा लग रहा है लेकिन ये अंडरग्राउंड में कम से कम 17 अंडरग्राउंड है फ्लोर, 17 फ्लोर में अंडरग्राउंड में प्लेटफॉर्म है। एक एक प्लेटफॉर्म में 30 से लेके 40, एक साथ में 300 ट्रेन रुकता है। तो उसी हिसाब से आप लोग काउंटिंग कर लीजिए गाइस, अगर 17 फ्लोर तक प्लेटफॉर्म है तो कितना हो सकता है। बाहर से देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत, ये है ना, बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, एक साथ में 300 ट्रेन रुक सकता है अंडरग्राउंड। ये जो देख रहे हैं आप ऊपर, ये सब कुछ भी नहीं है, अंदर से जो है सब स्टेशन ही स्टेशन है, प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा घर रखा है। ये ऊपर से कुछ भी नहीं है, देखिए इतना अंडरग्राउंड से भी ट्रेन है, ट्रेन का प्लेटफॉर्म, देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बना के रखा है। तो ये लोग का क्या टेक्नोलॉजी है गाइस, ये जापान का टेक्नोलॉजी है। देखने में तो ये लोग ऐसा सिंपल सा लगता है जापानीज लोग, लेकिन यार ये लोग का ट्रेन में क्या है, ऊपर वाले ने क्या दिया पता नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं थोड़ा जानकारी लेता हूँ उस साइड में जाने के लिए, वो
ओसन में जाके भी का ओसन का व्यू भी आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं भी साथ में इंजॉय कर रहा हूँ। मैं टोक्यो स्टेशन में जो आउट हुआ, मैं मेरा टोक्यो में जापान में हो गया 14 साल, दूसरा बार टोक्यो स्टेशन में आउट हुआ हूँ, बाहर निकला हूँ। टोक्यो स्टेशन में ऐसे तो आते जाते रहता हूँ, लेकिन ये दूसरा टाइम है जो टोक्यो स्टेशन का बाहर आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोग को ऐसा दिखाते रहूँगा मैं जापान का, और मैं हर कुछ दिखाते रहूँगा, सब कुछ दिखाते रहूँगा। देखिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ से कौन सा साइड है, देखिए ये नॉर्थ एंट्रेंस लिखा है, देखिए टोक्यो स्टेशन का। देखिए कितना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है टोक्यो में, देखिए गाइस मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मास्क टोपी सब पहना हुआ हूँ, ये देखिए बहुत ही ठंडी है गाइस। आज कोई बात नहीं यार, मुझे खुशी हो रहा है कि टोक्यो सिटी में घूम रहा हूँ मैं, जापान का कैपिटल राजधानी टोक्यो सिटी, जीरो ग्राउंड पे मैं घूम रहा हूँ, जीरो ग्राउंड पे हूँ, ये बहुत गर्व की बात है। एक इंडियन होके अच्छा कंट्री में घूम रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, मेरा सर्कल ज़्यादा नहीं देखा था आप लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा करके टोक्यो सिटी देखा था, ठीक है। देखिए मैं जो है ऑपोजिट साइड में आ गया, ये देखिए क्या बिल्डिंग है भाई, क्या सिटी है यार, दिल तो ऐसे ही खुश हो गया यार, पैसा वसूल हो गया मेरा यार अब यहाँ पर। ये देखिए ऊपर से देखिए बुलेट ट्रेन जा रहा है, क्या बिल्डिंग है यार, ऊपर तरफ मुंडी करना पड़ता है फिर देखने को नजर आता है। रोड देखिए इस टाइप का है जापान टोक्यो, तो गाइस मैं आप लोगों को पूरा जापान का जो टोक्यो सिटी आज घुमा के दिखाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा घर पे, ठीक है। देखिए स्टेशन का बाजू में ही है, आजू बाजू में हूँ मैं, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है यार, मैं गिनने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा मेरे को। ये देखिए ऐसा है, ऐसा ये देखिए बस भी है, ये ऑपोजिट साइड में है। देखिए अपन लिखा भी है टोक्यो स्टेशन लिखा है, देखिए सामने में जाके दिखा था आप लोगों को। सर्क का कंट्री है यार, सर्क का देश है। गाइस वीडियो बनाते बनाते मुझे भूख लग गया, इसलिए मैंने देखिए यहाँ से भी खाना ले लूंगा। यह देखिए ओनिगिरी मेरा फेवरेट डिश है जापान का, आपको पता है पहले वीडियो में भी मैंने बताया। टोक्यो का नाइट व्यू देख लीजिए थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर बस स्टैंड है,
और ये है स्टेशन, यहाँ से देखिए टोकी स्टेशन लिखा है, बहुत बड़ा स्टेशन है। ये देखिए बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोग को और घूम फिर के दिखाता हूँ, यहाँ पर वहाँ पर चारों तरफ घूम फिर के दिखाता हूँ। अभी गाइस मुझे भूख लगा, मैं थोड़ा कुछ खाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को घूम के दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस दिन भर शूटिंग करते करते मुझे भूख लग गया, ठीक है, तो मैं कुछ खा लेता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ। बहुत भूख लग गया गाइस। तो जापान तो उन्हीं की ही है। तो गाइस अभी ये दूसरा ओनिगिरी है, इसको भी खाऊंगा मैं। भाई बहुत ठंडी है, ठंडी है जापान में, बहुत हवा चल रही है। ये फिश का है। तो ठीक है गाइस, अभी देखिए यहाँ पर नाइट हो गया, और ये देखिए टोक्यो स्टेशन का जो बाहर ये सर्कल में जो देखिए पास है, जो आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जापान में हर स्टेशन का बाहर एक सर्कल होता है, बस स्टैंड होता है, टैक्सी स्टैंड होता है, ये है। टोक्यो सिटी में देखने का इतना कुछ है, लेकिन उतना टाइम नहीं यार देखने के लिए। ऐसे भी ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जा रहा है। सिटी देखा कैसा लगा यार? अच्छा लगा यार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार देखने में। आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं है, लेकिन मुझे टोक्यो सिटी घूम के इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ यार। बहुत मजा आ गया, देखिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है देखिए। तो गाइस आज वीडियो बनाते बनाते मुझे रात हो गया यार, ठीक है, भूख भी लग गया था, खाना भी खाया आप लोगों ने देखा, ड्रिंक्स भी किया, खाना भी खाया, अच्छा आप लोगों ने देखा। तो गाइस ये वीडियो बहुत मेहनत करके बना यार, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और दोस्तों का साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इस चैनल पे गाइस नए हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, यहाँ पर ही फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट अच्छे वीडियो लेके। और आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए जापान के बारे में, क्या जानकारी लेना चाहता हूँ, मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, फिर मैं उस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे वीडियो लगे, तब तक के लिए मस्त 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 होके रहिए यार, ठीक है। आज बहुत ठंडी है, मैं तो मस्त नहीं हूँ, ठंडी में पूरा कप गया यार, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।